आपको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। क्या चल रहा है इस बार, क्या खास कर रही हैं आप, क्या नया कर रहे हैं? इस साल तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा है दिवाली के लिए। टू मेनी थिंग्स टू सेलिब्रेट। मेरा वेब सीरीज़ जस्ट अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, भू सकती फतेह जी, और ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया है, मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो मेरे लिए दिवाली बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगी। और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे घर में नन्ना सा कृष्ण आया है लास्ट वीक, मेरी बहन ने बेटे को जन्म दिया है, तो हमारे लिए इस दिवाली, ये दिवाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो आपके जो फैंस हैं वो वेब सीरीज का एक तोहफा समझेंगे? डेफिनेटली, मैं फैंस सबको यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों तक उन्होंने मेरी डांसिंग को सराहा है, पसंद किया है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, अब जब मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है तो आपने उतना ही मुझे सपोर्ट किया है, उतना ही ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। और बस यही दुआ करती हूँ कि मैं मेहनत कर पाऊँ, आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और आप लोगों को मेरा काम पसंद आए। अलग लगा आपको एक आपका जो डांसिंग का एक फेम था, उसके बाद में आप एक्टिंग में कितना चेंज लगा उस पर? डांसिंग और एक्टिंग में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैसे देखने जाओ तो फ़र्क है, मगर मुझे लगता है कि डेफिनेटली डांसिंग और ज़्यादा मुश्किल है। एक्टिंग में आपको दोबारा टेक्स देने के मौके मिलते हैं, मगर आप जब स्टेज पर जाते हैं आपको वन टेक ओके करना पड़ता है, वहाँ मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो डांसिंग हमेशा ही मेरा पहला प्यार रहेगा, बट डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट मैं इवॉल्व हो रही हूँ, ग्रो हो रही हूँ, एक्टिंग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, और आने वाले समय में जैसे जैसे नई चीज़ें मुझे ऑफ़र होंगी, नए नए टाइप के कैरेक्टर्स ऑफ़र होंगे, मुश्किल कैरेक्टर्स ऑफ़र होंगे, तब आई एम वेरी श्योर कि मैं इसे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगी। देखिए, जब मैंने काटा लगा किया था मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा और इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा लोगों को ये पसंद आएगा। अब जब मैं एक्टिंग में आई हूँ तब डेफिनेटली यही दुआ करती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए और उनको पसंद आए, पर आई थिंक एक्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है, रादर देन बीइंग अ वन हिट वंडर मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, और सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा नई हूँ, सिर्फ 2 साल नई हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सीखना है, उसके लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मैं अपने नसीब पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मुझे पता है कि व्हेन आई एम रेडी द राइट अपॉर्चुनिटी विल कम। दिवाली मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है, और वो इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा समय है जब हम यार दोस्त रिश्तेदार सब मिलते हैं, साल भर सब अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, बट दिवाली टू दिवाली हमारा एक प्रथा है हमारी, जो इतने घर में हमें जाना है, इतने लोग हमारे घर आते ही आते हैं, खाना पीना होता है, खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं घर में, घर को हम सजाते हैं, बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। तो आई थिंक दिवाली मेरे लिए हमेशा हर साल इसलिए स्पेशल रहती है क्योंकि मैं अपने सारे जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं मिलती हूँ, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं खूब मस्ती करती हूँ। मैं एज आई एम टॉकिंग टू यू, मैं ऑलरेडी एक वेब की शूट कर रही हूँ, मगर द कॉन्ट्रैक्ट डजंट अलाउ मी टू टॉक अबाउट इट। जब समय सही रहेगा द प्रोड्यूसर्स विल अनाउंस, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इस बार भी मुझे ऑडियंस में इतना ही प्यार मिलेगा, उनको पसंद आएगा। बस मैं सारे दर्शकों को दिवाली की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, आपकी दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो, आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ खूब इन्जॉय कीजिए, हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर्स थोड़ा अवॉइड कीजिए, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट क्रैकर्स, और बस खुशियां बांटें, थैंक यू।